राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव के निर्णय कल शाम को घोषित किए गए, जिस पर संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, ओडिशा जैसे दुर्दवास के इलाकों में आदिवासी समुदाय की महिला आज राष्ट्रपति पद के लिए सर्वोच्च स्थान रखती है। हमें खुशी और गर्व है कि हमने उनकी जीत में भूमिका निभाई। द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति का पद जीत लिया है और उन्हें देश भर में भारी मतदान हुआ है। इसमें शिवसेना भी है। कल घोषणा की गई थी कि वो देश की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। हमें खुशी है कि आदिवासी समुदायों की महिलाएं, ओडिशा जैसे दूरदराज के इलाकों की महिलाएं राष्ट्रपति पद के सर्वोच्च स्थान पर है और मुझे गर्व है कि हमने उनकी जीत में भूमिका निभाई। आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र दौरे के पास ठाणे से अपनी संवाद यात्रा शुरू की और ठाणे से आगे उन्हें ठाणे जिले में भारी प्रतिक्रिया मिली। वे जहां भी जाते हैं उन्हें युवाओं से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिल रही है। इसके माहौल में शिवसेना जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, जो इस बात की शुरुआत है कि शिवसेना भविष्य में पूर्ण शिवसेना होगी। उद्धव ठाकरे भी जल्द राज्य के दौरे के लिए जाएंगे। केंद्रीय जांच एजेंसी पर राजनीतिक दबाव है जो सरकार के खिलाफ है और महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के लिए लड़ रही है। हमें संविधान और न्यायपालिका की सच्चाई के लिए कड़ा संघर्ष करना होगा, ऐसी प्रतिक्रिया संजय राउत ने दी है। क्या विजयी झालेले आहेत? संपूर्ण देशभरातून त्यांना भरभरून मतदान झालेलं आहे। त्या शिवसेनासुद्धा आहे। देशाचा 15वा राष्ट्रपती म्हणून त्यांचं निवडून आल्याची काल घोषणा झाली, त्याबद्दल आनंद सगळ्यांनाच आहे। कारण एक तळागाळातल्या आदिवासी समाजातली एक महिला ओरिसासारख्या दुर्गम भागातून समाजकारणात आलेल्या, देशाच्या राष्ट्रपती पदासारख्या सर्वोच्च पदावरती विराजमान होताना आम्हाला आनंद होतो आणि त्यांच्या विजयामध्ये आमचा खारीचा वाटा आहे, याबद्दल आम्हाला अभिमान आहे। द्रौपदी मुर्मू या देशाच्या संविधानाच्या रखवालदार आहेत, देशाच्या प्रमुख आहेत, घटनात्मक प्रमुख आहेत। त्याच्यामुळे या देशामध्ये घटनेची पायमल्ली होणार नाही। न्यायाचं राज्य राहील याची जबाबदारी आता त्यांच्यावर आहे। कारण जेव्हा जेव्हा घटनेवरती हल्ले होते, ज्या सुरू आहेत, त्या प्रत्येक वेळेला देशाचा नागरिक हा त्यांच्याकडे अपेक्षेने पाहिजे, त्यांनी लक्षात घेतलं। हे महाराष्ट्र दौऱ्यावर आहे, जवळजवळ त्यांनी काल ठाण्यातून त्यांची संवादयात्रा सुरू केली, शिवसंवादयात्रा, आणि ठाण्यापासून ते पुढे गेले। ठाणे जिल्ह्यामध्ये त्यांना प्रचंड प्रतिसाद मिळाला, मग इगतपुरी वगैरे, नाशिक, मनमाड असं करून ते पुढे चाललेले आहेत। आपण पाहिला असेल, चित्र पाहिले असेल, तर जिकडे तिकडे ते जात आहेत त्या प्रत्येक ठिकाणी तरुणांचा, लोकांचा, शिवसैनिकांचा त्यांना उत्स्फूर्त प्रचंड प्रतिसाद मिळतो आहे। शिवसेना झिंदाबादचे नारे लावले जात आहेत, आम्ही शिवसेनेबरोबरच अशा घोषणा दिल्या जात आहेत। महाराष्ट्राचं वातावरण हे भविष्यात तुम्हाला अशा पद्धतीनंच पूर्ण शिवसेनामय झालेलं दिसेल, त्याची सुरुवात आहे। लवकरच शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे सुद्धा राज्याच्या दौऱ्यावर जातील, त्याची तयारी सुरू आहे।